भाई सारे भाई ने मेरी राम राम। आज तो गणेश गिली बड़ा चल रहा है, जमा विघ्न हो रहा है, कान कैर पार कटन हो रही है। भाई आज मैं रहा हूँ यू कैथल रोड पे, यू बीजेपी का दफ्तर। भाई देखो एक नंबर का है, नहीं मेरा स्वाद आ रहा है। देखो मैं बीजेपी के दफ्तर की खास बात बताता हूँ, यहाँ की जो मैनेजमेंट है बड़ी पीसफुल है, बड़ी शानदार है, बड़े आराम से लोग बड़े, देखो कोई नीचे बैठा है, कोई चेयर पर बैठा है, राउंड पोजिशन पर है, बड़े प्यार से यहाँ पे लोग काम करते हैं। कोई भी मेरे को यहाँ पे कूड़ा कचरा फैलाता हुआ नहीं दिख रहा, कोई भी यहाँ पे मेरे को यूँ नहीं लग रहा कि भाई कोई इनडिसिप्लिन में बैठा है। बड़े साइलेंट मोड पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा कोई उक्का भी बीड़ी भी कोई पी रहा है। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है यहाँ का। कुछ मेरे भाई हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ काम चल रहा है। अरे चलो भैया से मिला जी। राम राम भाई साहब। राम राम जगदीप। क्या हाल है भाई जी? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको शुभकामनाएं, नया क्लेवर लेके आए एक पत्रकारिता में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने बहुत मतलब एक अलग सा पूरा जींद विधानसभा में छान मारा आपने पूरा, क्योंकि मैंने आपको बहुत देखा है। अच्छा, उसके लिए शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे यहाँ से ही मतलब इससे ज्यादा इज्जत सन नहीं होगी हमारे हमारे यहाँ से ही रवीश कुमार निकलेगा। चलो जी जी। अच्छा सर, अपनी पार्टी की क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही है? हमारी पार्टी में हमने टीमें बना दी हैं जो प्रचार के लिए जा रही हैं, यहाँ से पार्टी में आते हैं, यहाँ से व्यवस्था बना रखी है टीम के साथ, मतलब जा रहे हैं अभी गाँव में हम। अच्छा। और वहाँ से गांव में जैसे भाई हमने किसी से मिलना है नहीं मिलना है, सारे आलोचनात्मक या सहयोगात्मक जो भी हमें मिलते हैं हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं और शाम को यहाँ पार्टी कार्यालय में अपडेट देते हैं। अच्छा। और उस कार्य को फुलफिल होने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब बड़े साइलेंट मुद्दे पे और काम चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है और अपने लेवल पर लगा हुआ है, पार्टी लेवल पर लगा हुआ है। हर पार्टी के आदेश हैं सभी को भाई, हमने मिल, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये किसी, ये कमल के फूल का चुनाव है, ये कृष्ण मिड्डा का चुनाव नहीं है, ये पूरी पार्टी का चुनाव है। अच्छा देखो मेरे को जो दिखने में रहना थोड़ा सा साइलेंट मोड पे, थोड़ा सा कम सा मेरे को प्रचार। हाँ ये यहाँ कम है लेकिन गांव में हम जा रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब रफ्तार पकड़ेगा। अभी दो तीन दिन में और आप मिलेंगे हमें तो आप हमें ये, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं क्या कुछ कहना है? मैं विस्तारक, पंचकुला से घर है मेरा और मैं सडोरा विधानसभा का विस्तारक हूँ। जैसे ही संगठन के आदेश हुए हैं तो हम कल आ गए हैं यहाँ पे और सभी विस्तारक यहाँ पहुँच गए हैं। और आपने कहा है कि भी यहाँ थोड़ा वो चल रहा है, कम चल रहा है, वो कम नहीं है। अच्छा जी। हम ज़्यादा भाषणबाजी में और उसमें विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। अच्छा, हम काम करते हैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं और हमारे हमारा तरीका है ये। अच्छा, अच्छा, काम करने का। क्या कह रहे थे जी आप? मैं किस बारे में आप मतलब ले? मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्रचार प्रसार गाड़ियां वाड़ियां थोड़ा सा मेरे को कम दिखाई देती हैं ऑन रोड। नहीं नहीं, ऐसी सभी गांव में गई हैं। हाँ, आज मिड्डा साहब के कार्यक्रम है। अच्छा अच्छा। गांव के कार्यक्रम में सारे गाड़ियां वहीं गई हैं, जिस जिसकी ड्यूटी लग रही है जिस गांव में वो अपनी गाड़ियां लेके वहाँ चले गए हैं। कहीं मिड्डा साहब अकेले तो नहीं लग रहे? नहीं 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 नहीं, आप जाके देखो गाँव में किसी में भी। और हमारे दो कार्यालय है, चुनाव कार्यालय उधर है, पार्टी कार्यालय इधर है, यहाँ से भी काम कर रहे हैं लोग, उधर से भी काम कर रहे हैं। अच्छा जी। और भाई जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या कुछ कहना है? अपना सिस्टम बढ़िया चल रहा है, बीजेपी का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। सब आप अपने काम पर लगे हुए हैं। अच्छा। और जीत निश्चित है? जीत निश्चित, निश्चित है। सोचने से हो जाएगी निश्चित? नहीं नहीं, मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने गाँव में जाके देखा है बीजेपी जीतेगी। गाँव में किसी छात्र छूत पर झंडे कम दिख रहे हैं? कोई बात नहीं, हमारी वो वहाँ पे देखो, अभी मेरे को जो लग रहा था ना वो इनेलो सबसे लास्ट में लग रही थी ऑनेस्टली, अब मेरे को ये लग रहा है इनेलो कहीं ना कहीं कंपटीशन में है और बीजेपी का मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा। इनेलो पार्टी तो बोलने वाली पार्टी है। चलो हम ये बात नहीं करते, मैं ये बात कर रहे हैं भाई उन्होंने प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस तो अब हर पार्टी ने करी, इसी पर कोई बात थोड़ी। जगदीप जी, चुनाव युद्ध होता है, इसमें सब अपने घोड़े निकाल देते हैं। हमारे जो काम करने वाले घोड़े निकल चुके हैं, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। जो 2.5 साल चलता है घोड़ा वो निकल चुका है? वो निकल चुके हैं जी, क्योंकि बस वही बात है, हम तो काम करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो मलाई अपना अपना क्या कुछ कहना है? अपना तो ये है जी, यहाँ से हमारी जो पार्टी है बीजेपी की वो औरों पार्टियों से बहुत ज़्यादा लीड लेकर आगे चलेगी। अच्छा जी। हाँ जी। और गांव में रुझान बहुत अच्छा है और शहरों में भी बहुत अच्छा रुझान है और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत
मेहनत पे। अच्छा मीडा साहब कहो ना, मेरे एक इंटरव्यू दे देंगे, मैंने मिलते ही नहीं, कई बार मैं जाया हूँ दाएं बाएं, मैंने मिलते ही नहीं। ऐसा है जी, इलेक्शन में बिजी है, आज इंटरव्यू करवा देंगे आपका, 100% करवा देंगे। ये तेरे भाई राजवीर रोए लगी जुबान है। वाह जी, धन्यवाद जी। तो जी बड़ा देखो पीसफुल माहौल यहाँ मेरे को लगता है, और बड़ा आनंद आता है जब यहाँ आता हूँ तो मैं। बाकी तो आज अगर ये कह रहे हैं जी, मैं तो देखो जानता नहीं, अब ये कह रहे हैं मेरे इंटरव्यू मीडा साहब से करवा देंगे, तो इनका धन्यवाद जी, उनसे भी कुछ सवाल जवाब हो जाएंगे। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जी? आज आगे गांव में सर्विस शुरू करूँगा मैं, और देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। धन्यवाद, राम राम।